हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो है थोड़ी सी हटकर। तो किस तरीके से हटके है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, कि मैं अपने बालों को, अपने हेयर को किस तरीके से स्ट्रेट करती हूँ इन 2 मिनट्स। यस, इन 2 मिनट्स में मैं किस तरीके से अपने हेयर को स्ट्रेट करती हूँ, इस वीडियो में आप लोग ये देखने वाले हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरा हेयर टेक्सचर है वो हल्का सा ड्राई है, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हीट कम से कम यूज़ करूँ। सेकेंड थिंग, जो मेरे हेयर हैं वो पहले बहुत ज़्यादा कर्ली थे, अब इतने कर्ली नहीं हैं, तो नॉर्मल वेवी हेयर हैं। तो अगर आपके बाल आपके हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं तो आपको डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लगेगा। बट अगर आपका हेयर मेरे जितने हैं, मतलब शॉर्ट हेयर हैं, शॉर्ट नहीं मीडियम हेयर हैं, और आपके हेयर टेक्सचर मेरे जैसा है, तो 2 मिनट्स 3 मिनट्स में आपके बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ वॉल का आर्गन ऑयल स्ट्रेटनर ब्रश, और सेकंड मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर वेला का प्रोटेक्शन, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। जब भी आप कोई भी स्ट्रेटनर यूज़ करें, कोई भी हीट यूज़ करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है कि आपको हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ करना है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके जो बाल हैं वो गीले नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैंने सेट कर दिया है, मैंने ऑन किया है, यहाँ से ये ऑन का बटन है। आप इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हीट मैक्सिमम 200 डिग्री सेल्सियस होगी, तो अपने बालों के अकॉर्डिंग आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 170 to 200 में यूज़ करती हूँ, नॉर्मली इतने में मेरे पास स्ट्रेट हो जाते हैं। स्टेप टू, मैंने अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लिए ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद मेरा ब्रश अच्छे से स्ट्रेटनर मेरा जितना मुझे हीट अप करना था उतना हो चुका है। अब मैंने अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपने हेयर को। सबसे पहले मैंने आगे वाले पार्ट से स्टार्ट किया है। स्टेप थ्री मैंने स्टार्ट करा है ब्रश करना। नॉर्मली जैसे आप अपने हेयर को ब्रश करते हैं आपको वैसे ही करना है, सबसे ईजी वे है। मुझे नहीं लगता, मतलब इससे पहले मैंने बहुत सारे स्ट्रेटनर यूज़ किए हैं, बट ओ माई गॉड इतना अच्छा स्ट्रेटनर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं इससे पहले बहुत बार स्मूथनिंग करा चुकी हूँ, तो मैं बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो स्मूथनिंग करा चुकी हैं, स्ट्रेट बढ़ जाती हैं, बट इसके बाद आपके बाल इतने ड्राई हो जाते हैं कि आप कोई भी हीट यूज़ करने के लिए डरते हैं। बट ये बहुत बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी गाइस। और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत इनएक्सपेंसिव है। तो मैं इसका प्राइस भी आपके साथ शेयर करूँगी, अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कितने का था। तो आप देख सकते हैं कि विद इन 2 मिनट्स, जस्ट वेट एंड वॉच, 2 से 3 मिनट्स में मेरे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं नॉर्मली इससे। तो आप अभी से देख सकते हैं कि मेरे हेयर बिल्कुल, मैं नहीं बोल रही कि मैं स्लीक स्ट्रेट हो जाएंगे, बट यस स्ट्रेट हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर इसे ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मैंने एक बार दोबारा से ब्रश किया, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपको किसी भी तरीके से अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दैट्स ऑल, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।